दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। हाय द जोश, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि हम लोग जर्निंग करते हैं 1600 मीटर का, तो हम लोग क्या खाएं और क्या कैसा डाइट लें जिससे हमारी जो पावर है, एनर्जी है, वो बना रहे। दोस्त, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऑल ओवर इंडिया के जो भी बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके इंडियन आर्मी की रनिंग का, तो उन लोगों को खाने का डाइट जो है, मैं क्या क्या खाना है आपको शेड्यूल में बता दे रहा हूं अभी। और गारंटी के साथ अगर आप ये यूज करते हैं तो 100% देखेंगे कि आपकी एनर्जी 100% बना रहेगा। आपको 7 दिन, एक वन वीक में आता है, तो आपको 7 डेज नहीं प्रिपरेशन करना, 6 डेज ही करना है। आपको वन वीक में 6 डेज ही करना, 6 डेज में क्या करना है वो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज बोलना चाहता हूं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो ऑल ओवर इंडिया इंडियन आर्मी के बच्चे और SSGD या किसी भी तरह के जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी कोरोना कोविड-19 के कारण एज समाप्त हो चुका है, जो 5-6 महीना बचा हुआ था इसके कारण बर्बाद हो चुका है, तो एक मैं मुहिम उठा रहा हूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के जो युवाएं हैं जिनकी एज कंप्लीट हो चुका है कोविड-19 के कारण, इनको प्लीज 1 साल का या 6 मंथ का प्रिपरेशन या ये दिया जाए, मतलब फ्लिपकार्ट दिया जाए, मतलब छूट दिया जाए, जिससे बच्चों का जोश बना रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट एड में आ चुके हैं, सर हमारी जो एज था वो कोविड-19 के कारण खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे अब। तो मैं आप लोग को एक आशा दिलाता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुँच सके और इस चीज़ पे उनको सुझाव मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवाओं की जो एज था वो कंप्लीट हो चुका है कोविड-19 के कारण। अब चलते हैं वीडियोस की ओर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान आपको 3 चीज़ ही खाना है, क्योंकि बच्चे अगर हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी जो मसल्स गेनर पार्ट होता है, और दूसरी कि हमारी जो क्रिप्शन सेल्स होते हैं वो टूटते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेटिंग मैन्युफैक्चर है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। आपको करना क्या है, 3 टाइम का मैं आपको डाइट दे रहा हूँ, सुबह, दोपहर और शाम, ये तीनों चीज़ आपको कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर है वो बनी रहेगी। सुबह में क्या करना, वीक में 3 डेज लेने हैं आपको, एक गिलास दूध में 2 बनाना शेक बना के सुबह सुबह दौड़ने के बाद पी ले। 3 दिन ही करना, रेगुलर नहीं करना है, 3 दिन कोशिश करें करने का, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, ठीक है। दूध तो सभी के यहाँ होता होगा, पहला। दूसरी बात, अगर दोपहर में आप खाना चाहते हैं तो दोपहर में कुछ नहीं करना आपको, बीट आता होगा, बीट आप रखिए, 3 दिन ही रखना है, 3 दिन ही खाना है। बीट ले लीजिए, रेड वाला, जो इसको हम लोग कहते हैं सलजम, ये बीट को लेके, और आपको इसके साथ खीरा होगा या कोई कच्चा चीज़ बीट के साथ जरूर ले लें, क्योंकि बीट आप डायरेक्टली ना खाएं, ठीक है। इसके साथ कोई दूसरा चीज़ भी ले लें, दोनों साथ में लेके जाएं। और इवनिंग में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको मैं बता देता हूँ, चना का पानी, जैसे चना को फुलाए, इसका पानी में हनी को मिक्स करके और पी लें, हनी को मिक्स करके इसमें पी लें 1 गिलास। इससे आपकी बॉडीज की जो सांस का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, और हमारी बॉडीज में जो प्रिंडस का प्रॉब्लम आते रहता है, पेन का, यूप्रोन्स का, तो हनी में बहुत ज़्यादा सेलेट और फैटनेसेज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल्स को गेन करने में बहुत मदद करता है, समझे। इतना ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आप विटामिन सी का कैप्सूल हमेशा रखें, विटामिन सी का कैप्सूल से आपकी बॉडीज को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, पहला। दूसरी, विटामिन B12 हम लोग नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करना है, सप्ताह में एक बार विटामिन B12 का कैप्सूल यूज करें, कैप्सूल नहीं है, चॉकलेट होता है, इससे हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस में जाइए। जय हिंद, जय भारत।